ओके सो फाइनली मैं हाजिर हो चुका है एक नए वीडियो के साथ। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नए ड्रामे नए एपिसोड्स के बारे में और जो भी ड्रामा आज देखने मिलने वाली है उसके बारे में। अगर आप द रिवल प्रिंसेस चाइनीज ड्रामे की नई एपिसोड के लिए वेट कर रहे थे तो फाइनली कल उसकी नई एपिसोड डाल दी गई है, यानी कि अभी 5 एपिसोड डाल दिया गया है कल के डेट में। तो यदि आप उसके लिए वेट कर रहे थे तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो मिस्टर राइट या फिर द लेजेंड ऑफ फोया। इसकी जो नई एपिसोड है वो नहीं डाली गई है। क्यों नहीं डाली गई नहीं पता। पर आपने आई एम नॉट ए रोबोट जो कोरियन ड्रामा है जो कि एमएक्स पे हिंदी में अवेलेबल है वो ड्रामा देखा है, तो इस ड्रामे का इंडियन वर्जन में रीमेक करा गया है जिसका नाम है माई थ्री। अगर आप जानना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो कि किस तरह से इंडिया वालों ने उसको बनाया है तो ये डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीम हो रही है विथ 9 एपिसोड, तो चेकआउट कर सकते हो। आपको स्के ड्रामे की तरह तो नहीं बनाया होगा लेकिन अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे हिंदी डब लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो या फिर मेरे रिव्यू का वेट कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट अपडेट उनके लिए जो लोग वन पीस के सीजन 2 के लिए वेट कर रहे, तो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज ये है नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली इसको कंफर्म कर दिया है कि इसका जो सीजन 2 है आपको देखने मिलने वाला है, लेकिन अभी देखने नहीं मिले। हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर से इसकी फिल्मिंग या फिर जो भी काम वगैरह पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो होता है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट ईयर के एंड या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ये जो सीरीज है आपको देखने मिलेगा, यानी कि इसके सीजन 2 को देखने के लिए अभी आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें इसकी जो हिंदी डबिंग की कन्फर्मेशन है वो मैंने नहीं करी थी, बट फाइनली ये कन्फर्म हो चुका है कि ये जो ड्रामा है आपको हिंदी में भी देखने मिलेगी। डेट आपको पता है 20 अक्टूबर, यानी कि ये जो रोमांटिक कॉमेडी पे बेस्ड के ड्रामा है आपको हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी, जिसमें आपको टोटल 9 एपिसोड देखने मिलेगी। ओके सो अब बात कर लेते हैं जो आज आपको देखने मिलने वाला है उसके बारे में। तो जो पहला है वो एक मूवी है जो कि कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है जिसका नाम है लव एट फर्स्ट साइट, जो कि आज आपको 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। दूसरा जो है वो एक सीरीज है जिसका नाम है सर्वाइविंग समर सीजन 2, तो ये भी आज आपको नेटफ्लिक्स पे 12:30 बजे से हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। तो यदि आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो आज से आप इसको देख सकोगे। ये कितना अच्छा है। नेक्स्ट ड्रामा जो कि आज आपको देखने मिलने वाला है जो कि एक बिजनेस लॉर्ड रोमांस पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है मनी फ्लावर। इसके बारे में मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम पे बता दिया था कि ये जो ड्रामा है आपको 15 तारीख से देखने मिलने वाली है, तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम पे ही देता हूँ। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अपने टेलीग्राम में जाके माइंड टेक आज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो फाइनली ये जो ड्रामा है आज से आपको प्लेफ्लिक्स ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी, जिसमें आपको टोटल 48+ एपिसोड देखने मिलेंगे जिसके रनिंग टाइम 30 मिनट के अराउंड में रखकर प्रेजेंट करी जाएगी। तो यदि आप इसके लिए वेट करें तो आज से आपके जो ड्रामा है देखने मिल जाएगी। तो फिलहाल यही सारी अपडेट थी जो कि मैंने आपको दे दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखना पसंद है तो कल के लिए बाय। जय हिंद, टेक केयर।